अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली व्लॉग। गाइस उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे इन्होंने गुड मॉर्निंग करी, मतलब सुबह सुबह का टाइम मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ, लेकिन अभी हो रही है रात, तो मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर पे और इसलिए मैं अबाया पहनी हुई हूँ। मैंने ला इसी टाइम पे अभी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो वहाँ की थोड़ी मस्तियाँ आपको दिखा दूंगी कि बहनों के साथ। तो वाकई आप लोग भी जानते होंगे कि बहनों का तो अलग ही इंजॉय होता है, जब बहनें मिलती हैं तो अलग ही एक इंजॉय चलता है। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी बहन के घर पे, दावत नहीं है, सिर्फ मिलने जा रही हूँ मैं। तो रुक भी जाऊंगी मैं वहाँ पर, क्योंकि अब शाम में जा रही हूँ मैं, तो जाना आना बड़ा भारी पड़ जाएगा मुझे बच्चे लेके। अयाज नहीं जा रहे, अयाज घर पर ही है, मैं अकेली जा रही हूँ बच्चे लेके। तो अयाज को मतलब आप अगर घर पर हैं तो मैं आपके लिए फिर देखिए, मैंने घर पर भी बिल्कुल अच्छे से साफ साफ करके अयाज के लिए बनाया है, मैंने दिखाती हूँ मैं आपको कीमा बैक कैमरा करके। तो गाइज मैंने अयाज के लिए बना दिया बिल्कुल भुना हुआ कीमा, मैंने कहा रोटी मंगा लेना और आप खा लेना, तो ये रोटी बाहर से मंगा लेंगे अपने लिए और कीमा खा लेंगे, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है अब इनकी, क्योंकि घर भी साफ कर दिया, पानी की बोतलें वगैरह सब भर के रख दी इनके लिए, सारा काम घर का निपटा दिया, इनको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इन्होंने कमरे में पड़े रहना है बस और खाना खाना है, बाकी अब चलते हैं मिलते हैं बहन के घर पे चल के। सो गाइज मैं पहुंच गई अपनी बहन के घर पर और थक गए यार, रिक्शे वाले ने बड़ा हिला झुला दिया, अंचर पंचर हिला दिया हमारे जिसम के, बहुत हिलता है रिक्शा, तो इसीलिए मुझे रिक्शे का सफर भी नहीं पसंद, लेकिन बस रिक्शे में आना पड़ा कि आराम से आ गए बच्चे लेके, आयास तो आए नहीं है। तो अभी बुरखा उरखा उतारने वाला, आपको पहले बता दूं कि मैं पहुंच गई हूँ, तो अब जो होता जाएगा दिखाते जाएंगे। फिलहाल तो सबसे पहली चीज आई है हमारी कुल्फी, हम कुल्फी खाएंगे अभी। कुल्फी खा रहे हो, आते कुल्फी खाने लग गए, मैंने तो अपनी खा दी। ज्ञान आप नहीं खा रहे कुल्फी, ज्ञान की तबीयत ठीक नहीं है आज, ज्ञान बड़े सुस्त हो रहे हैं, ज्ञान की तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइस हम लोग आए हैं अभी रोड पे बर्गर लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, अनस चले गए थे बाहर खेलने, तो हमने बोला हम खुद जाके लिए आते हैं, तो हम इनके हैं साबरी चौक, मौसिया चौक पे हम लोग, और हम लोग अभी यहाँ पे बर्गर लेने के लिए आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फिश लेने के लिए बर्गर हमने ले लिया और ये फिश है, ये चार तीन तरह की है। अंकल इनके नाम बताइएगा, ये कौन सी वाली? ये सिंगाड़ा है, ये सिंगाड़ा है, ये मुस्का है, ये मुस्का, ये कुन है, ये वाला कुन है, ये कुन है, ये लेडी फिश है, ये लेडी फिश। अंकल बोले ये लो, ये ज्यादा मजे की है, और ये फिंगर फिश है, और ये फ्राई भी हो रही है। सो गाइस हमारा खाना लग गया है और ये बना है आलू गोश्त, ये अभी फिश लिए हमने, ये बर्गर लिए, बर्गर खाना भी शुरू कर दिया, बहुत तेज भूख लग रही है। सना बाजी ने मेरे लिए खास तौर पे चावल बनाए क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है, और ये हमारे अली रजा अभी सो के उठे हैं। गाइस लाइट गई हुई, अंधेरा हो रहा है, लेकिन बहुत तेज भूख लग रही है, और रोटियां बनाई है सना बाजी ने, तो हम लोग खाना खाते। कोल्ड ड्रिंक कहां गई? कोल्ड ड्रिंक भी है भाई साथ में, कोल्ड ड्रिंक भी है, और अजलान मेरी गोद में लेटे हुए, ये देखें अजलान भी खाने लगे, तो हम लोग अभी खाना खाते हैं जल्दी जल्दी। गाइस हमने खाना खा लिया है और थक गए हैं बहुत ज्यादा, खाना खा के कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक भी पी ली, और हो रही हूँ मैं बोर, क्योंकि मेरी बहन जो है ना फेवरेट वाली बहन, वो देख रही होगी मेरा व्लॉग, तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, उसने कहा तू चल मैं भी आ रही हूँ, और वो एकदम से गायब हो गई है, वो आई नहीं है, और मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मेरी फेवरेट है और उसने मेरे को धोखा दे दिया। अब मैं उसके घर जाकर लड़ूंगी, अभी नहीं बाद में जाऊँगी लड़ने के लिए, फिलहाल तो अभी फोन पर लड़ूंगी मैं उससे। और ये देखिए लार्वा छुट्टी फिर रही है, खैर कोई बात नहीं, फिल्टर नहीं है, फिल्टर लगाना पड़ेगा मुझे अभी, ये मैं खूबसूरत हसीन लगूँ, लशन उलशन आए मेरा। तो गाइस वो सारी बातें छोड़ो यार, हम लोग जा रहे हैं अभी समीना आपी के घर पे, समीना आपी का घर यहीं करीब आस पास करीब में ही है, तो मैं बोर हो रही हूँ, मेरा अफशा तो आई नहीं है, वरना हम बहुत सारी बातें करते करते, तो अभी हम जा रहे हैं अफशा जी के घर पे, चले अफशा जी के घर पे, चल जा रहे दिल्ली से तैयार हो जाके हीरोइन बन जा। तो गाइस मैं भी जा रही हूँ, बस लिपस्टिक लगाऊंगी और कुछ नहीं करने वाली, आपको पता है वैसे मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप करने में और मौत आ रही है, मैं थक गई हूँ, मैंने खाना खा लिया है ना। समी नानी के नहीं जा रहे, देखो कह रहे झूठ बोली है समी नानी के, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी समी नानी के घर जा रहे हैं हम अभी। तो गाइस आ गए हम लोग समी नानी के घर पर, और मैं अभी आपको उनका घर भी दिखाती हूँ, देखो हम सब यहाँ बैठे हुए और बातें शादी चल रही है, मजा आ रहा है, वही दोनों बहनें आस पास ही करीब करीब रहती हैं, तो इसलिए हम लोग मिलने के लिए आ गए, तो मैं आपको अपनी बहन से भी मिलवाती हूँ और भांजा भांजी से तो मिला चुकी हूँ, आई लव यू। तो अभी उनका घर भी आपको दिखाती हूँ आज, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था, मैं जब से अभी आई हूँ,
मैं आपको घर दिखाता हूँ। गाइस ये एंट्री है, ये इनका गेट है मेन मतलब रूम का है, और यहाँ से मुड़ के हम लोग आए। ये किचन भी है इनका, किचन और गैलरी भी है, और ये यहाँ से भी रूम का दरवाजा है। और ये मेरे फ्रेंड है, वही एंजॉय कर रहे बच्चों के साथ। हाय, ये मेरी बहन है, आप लोग जानते हो इनको, बड़ी बहन है ये मेरी। पकौड़े बनाते हैं, हाँ याद है आप सब क्या पकौड़े बनाती थी। भतीजा नहीं हो तुम, भांजे हो। और ये देखें के घर पे ये वाले खिलौने हमारे बच्चों के खेलने के लिए, जबकि कहने को सारे लड़के हैं। और ये इनकी बेटी है, बैग से दिखा रही हूँ इनकी बेटी को। सो गाइस हम लोग समीरा आने के घर से आ गए, और यहाँ पे आके लेट गई मैं बहुत थक गई यार, इतना घूमने की आदत नहीं है। और यहाँ पर आ गई, देखिए मेरा छोटू भी ये पड़ा हुआ मेरे पास, और इनको भी हमने नाश्ता खाना वाना खिला दिया। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30 बज रहे, और अब नींद आने लग गई है क्योंकि घर तो है नहीं, वरना घर की आदत अलग होती है। ये मेरा नंगा बच्चा ये पड़ा हुआ, देखिए ये ब्लैक चड्डी पहना हुआ, और मैं आपको बच्चे भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। 2:30 बज रहे रात के, और टाइम एक बच्चा नंगा था, मम्मी वाला शर्ट पहना, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या हो रहा है रात के। देखिए ये हमारे काशान साहब है, ये येलो चड्डी पहन के घूम रहे हैं, ज्ञान साहब है ब्लैक चड्डी पहन के घूम रहे हैं, और ये अली राजा साहब है, इन्होंने अभी चड्डी चेंज कर ली, कपड़े बदल लिए, वरना ये भी चड्डी पहन के घूम रहे थे। और अभी यहाँ पे चाय पापे चल रहे थे, देखे चाय भी नहीं, अभी बर्तन गए यहाँ से, चाय पापे चल रही थी। और ये हमारी जारा, जारा भी मेरे पास पड़ी है, बच्चे ऐसे चिपक के मेरे पास पड़े हुए, और अजलान ये बड़े हुए शर्ट पहन रहे हो आप। चलो गाइस अब हम लोग सब सोने लगते हैं, सही है। तो गाइस अब हम लोग सुबह मिलते हैं, नाश्ता आपको दिखाते हैं कि हमने नाश्ते में क्या करना है, और अंडा पराठा खाएंगे भाई, हमारे घर के अब्बा बोले अंडा पराठा खाएंगे। तो हम लोग कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं सो रही हूँ, अब व्लॉग इंशाल्लाह सुबह गुड मॉर्निंग का ही करूँगी, बाकी मिलेगा आपको एक साथ। तो जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई गाइस, रात में नींद आ गई, बहुत अच्छी आई नींद। और अभी मैं उठती नहीं अभी भी, लेकिन ये मेरी फेवरेट बहन, जिसका मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया कि मतलब थोड़ी देर रात के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि जिसने मुझे धोखा दिया, आई नहीं, तो वो अभी सुबह सुबह आ गई है, उसने मुझे उठाया है, उसी ने मुझे उठाया, और वो डर क्यों आई है, इसको पता है मैं नाराज हो जाऊंगी ना। ये देखिए यार, हाय गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सिर्फ इसकी मोहब्बत में आ गई, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था यहाँ आने का, मैं नाराज हो जाती ना, जो मेरी कजन पहली शादी की मुझसे नाराज हो। हाँ मैं अभी आ गई, बच्चे भी आए, देखो हेलो। तो इसलिए अभी आ गई, अब हम लोग अब मैं रुक रही हूँ, अब मैं देर तक रुकूंगी, वरना मैंने बोला था नाश्ता करते ही भाग जाऊंगी मैं, तो अभी आ गई। बिरयानी बनाऊंगी इनके लिए, बनाने के लिए मैं बिरयानी बनाऊंगी आज, ये बिरयानी का सामान लेती हुई खुद से आइए, कह रही है मैं बिरयानी मैं बनाऊंगी आज यहाँ पर इरम के लिए, पर नाराज ना हो क्योंकि कल मैं बहुत गुस्सा करा, मैंने बोला तुमने अच्छा नहीं करा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बोले की कतरे पी लिए, अबे तो भाई तुम तो बड़े हो गए हो 5 साल से, तुमने बोले की कतरे की पी लिए, अच्छा सही है। देखो ये इरम के लिए क्या, और ये देखे मेरे लिए क्या लेकर आया, कह रहा इरम कमजोर हो गई है ना, इसको ड्रिप लगाऊंगा, और क्या है हाथ में क्या है, ये देखिए इंजेक्शन भी लाया है और ये ड्रिप भी लाया, कह रहा इरम कमजोर हो गई है ना, इरम के लगाऊंगा, क्या लगाएगा, हाथ पे लगाएगा। और ये देखे ये है हमजा, और ये है मुस्तफा, ये जियान अभी उठ रहे हैं, अब क्या नहीं बैठाया सबको। तो गाइस हम नाश्ता करने बैठ गए, पराठे बने, ये देखे इतने सारे सनावाजी ने लाइन से पराठे बनाए, अंडे, ये मेरा अंडा आ गया, बाकी अंडे आते जा रहे हैं, ये देखे बच्चे नियत्ते इतने सारे, ये नियत्ता बच्चा फुल भी खा रहा है चड्डी वाला, और जियान भी बैठ गए नाश्ता करने के लिए, है चाय आ रही है, अंडे आ रहे हैं, सालन आ रहा है, मैंने ना पहले दिखा दूँ जल्दी, तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे सनावाजी ने जल्दी संडा बना दिया कि तू खाने लग जा, बाकी ये देखे ये आ रहे हैं, बाकी सारे नाश्ते पाश्ते आ रहे हैं, ये देखे ये रो रहा है, और अब आ गई ज्ञान का अंडा, राशन का अंडा, मेरा अंडा, ये सालन है, ये हलवा पूरी है, और अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये मेरी बहनें दोनों जा रही है सौदा लेने के लिए, देखें बिरयानी का सामान, अक्षय आधा सामान ले आई थी, बल्कि
ज्यादा मैं यहीं से दिलाऊंगी। तो वो टीपा सनाबाजी का होने वाला है जो यहाँ का सामान आएगा। तो दोनों बहनों की तरफ से बिरयानी है और ये सारे बच्चे देखे बैठे हुए, और ये सारे बच्चे जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए। सनानी की तरफ एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जहाँ फी बच्चा 100 रुपए है। तो ये मेरा लहू पी रहा है की मम्मा 100 रुपए दो, सारे बच्चे जा रहे हैं। क्यों तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम्हारी अम्मा गरीब है ना। गाइस इनको मैं पैसे दे दूँ, ये लोग हलवा को हलवा पूरी बोलियो स्विमिंग पूल जाए जाए छूटे। और ये मेरा टिड्डा, ये देखिए ये रहा। तो गाइस बिरयानी का सामान आ गया है और खोल के ये कटिंग शटिंग ये देखें, छुरी आप देखें खाली की छुरी कितनी बड़ी यूज कर रही है मेरी बहन। तो क्या क्या लाई हो जरा बता दो। ये टमाटर डालेंगे, ये इतने सारे टमाटर डालती है भाई ये तो। और ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कहाँ गई, ये हरी मिर्चें भी है। और ये चिकन है, और ये हरा धनिया मैं साफ कर रही हूँ। ये बिरयानी मसाला है और दही है। इसमें चिकन लेग पीस भी है। और ये दही है, और ये दही पे तो नियत सब बच्चों की फिसल ली है कि हम चीनी डाल के खा लें। ये चिकन भी है, ये आधी चिकन है डग डग। और बस हम लोग अब खाना बनाएंगे। प्याज कहाँ है भाई? प्याज अभी बच्चे लेकर नहीं आए हैं, आलू भी नहीं लाए, प्याज भी नहीं लाए, लेने गए हैं जी बिल्कुल, बच्चे लेने गए हैं। और ये सब जब तक हमने लाए ये सब कटिंग कर लें। चिकन कौन धोएगा? लाए वो धोएगी चिकन ना, जैनब धो देगी चिकन। सही है जैनब, तुम धो देना चिकन। सही है, मुझे धोनी नहीं आती। एनी बाजी हो आप, है ना, एनी बाजी हो ना आप। बोलो मुझे धोनी नहीं आती चिकन, सही से बोलो। क्यों धोनी नहीं आती भाई, आजकल की जवान लड़कियों को धोना चाहिए। भाई उतना हटा दिया कैमरा, कह रही मेरी तरफ से हटाओ। तो अभी हम लोग बिरयानी का ये सामान है सारा, और ये देखे बिरयानी मसाला है कितना सारा ये लोग बिरयानी मसाला लाए। पता नहीं चटपटी बिरयानी बनाने का, मैं मतीन फूड्स वाली बिरयानी बनाऊंगी। मतीन फूड्स की बिरयानी, हाँ। पहले बिरयानी तैयार होगी फिर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये लेकिन ये झूठ वाली मतीन फूड नहीं, ये नदीम फूड की बिरयानी बनाएगी। ये नदीम भाई की फूड की बिरयानी है। तो अभी बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या आगे क्या क्या करती जाती है, दिखाएंगे इसमें क्या तैयार नहीं हो जाती है, हम लोग में नहीं आएंगे। अच्छा सही है, तो आप छुरी क्यों दिखा रही हैं, डरा रही हैं आप लोगों को, व्यूअर्स को डरा रही हैं आप हमारे। ज्यादा कमेंट्स किएगा ना, ओह माय गॉड। तो गाइस ये सड़े हुए बच्चे, ये दोनों, ये हमजा और ये अनस, ये दोनों ना इतनी देर में लाए, देखें ये सारे टमाटर कट चुके हैं और ये प्याज अब आ रही है। तो अभी आलू और प्याज अब कटिंग होगा। प्याज देखे लेकर आए हैं दोनों, सड़ा हुआ अनस लाया है और ये सड़ा हुआ हमजा लेकर आए हैं। ये भी तोड़ के लिए आई है, ठीके में जो प्याज रखी हुई थी इसने बोला आनी इसी से गुजारा कर लो, ये लोग तो लाए ही रहे। प्याज की बास्केट में जो रखी हुई थी, फिर मेरे को लोग टोकेंगे कि आप बहुत गाड़ी उर्दू बोलती हैं, आपको बोलना नहीं आता। तो ये प्याज के छीके छीका नहीं, बास्केट में से लेकर आई है ये। फिर अब कोई कमेंट करेगा हम भी छीका ही बोलते हैं, तो सही है। आ गई प्याज, आलू प्याज ही हो गया। चलो बचेगा कुछ घर पे ले जाऊंगी मैं। आप भी आ गई है यहाँ, पप्पे भाई भी आ गए हैं, और अफशा बिरयानी बना रही है। देखे बड़ा रश वश लगा हुआ है हमारे घर में आज, हमारी बहन के घर में। सो गाइस बिरयानी की तह लगने लग गई है, ये देखें ये चावल, अब ये चावल की तह लग रही है। बिरयानी पे, और ये देखें बिरयानी, चिकन बिरयानी अक्षय के हाथ की बड़ी चटपटी सी मजे की लग रही है, और सब लोग खाना खाने लगे हैं। बिरयानी निकाली पतीले में बिरयानी, मैंने चिकन लेग पीस ध्यान को मिला है, चिकन लेग पीस चाहिए। तो हम लोग खाना खाते हैं, अजलान के लिए आलू धो के लाई हूँ मैं, आलू इसको खिलाऊंगी मसलिए। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अब फ्री हो गए सारे कामों से। बहने बहने देखेंगे सब ये बैठी हुई यहाँ पे, और पता नहीं चला टाइम का, तो रात में सोए भी नहीं थे, अब नींद आ रही है, अब घर जाते साथ ही मुझे सोना है, तो इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से निकल लूँ। आयास तो लेने के लिए नहीं आया, तो अब मुझे घर पे खुद ही जाना पड़ेगा रक्षे में। तो ज्यान काशान तो बाहर निकल गए, तो अब मैं भी जा रही हूँ जल्दी से उनके पीछे। तो सबसे मिल लूँ फिर मैं जाऊँ। अल्लाह हाफिज, घर पे जाके मिलते हैं। घर पर आ गए, और आते ही मैंने आपको नीम व्लॉग बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, छोटू भी रो रहा था और मैं सो रहा था,
छोटू रो रहा था, मैं सो रहा था, तो बस यही जीता है, ये आ गई है गाइस। और उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ उसमें, यही है पूरे सुबह से शाम तक कल से आज का। और मैं शार्ट था, मैं घर पर ही था, मैं बस सिर्फ पोस्टिंग कर रहा था और एडिटिंग कर रहा था, सबको पता है आप नहीं जाते कहीं। तो बस गाइस प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी बहुत सारी मस्तियों के साथ, बहुत सारे एंजॉयमेंट के साथ, आपके एंटरटेनमेंट के साथ। प्लीज़ दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।